श्रीमद्भागवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक 69 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषय समूहरु इंद्रिय गणंकु निवृत करिथिबा विरागी मनुष्यर विषय निवृत्ति होइथाय सत, किंतु से रस निवृत होइ पारिनथाय। एक उन्नततर स्वादुयुक्त परम तत्व उपभोग करिथाय मध्य जीव इंद्रिय सुखभोगरु क्षांत हुए एवं तद्द्वारा से दिव्य चेतनारे स्थिर हुए। भावार्थ, व्यक्ति दिव्य स्तर रे अवस्थान न कले इंद्रिय सुख भोगरु दूरेई रहिबा संभवपर नुहे। गोटिए रोगी को केतेक खाद्य पदार्थ सेवन करिबा को बारण करिबा जहा विधि निषेध आदि द्वारा इंद्रिय मानंकु विषय भोग्य वस्तु मानंकरु दूरेई नेबा सेइया। अवश्य रोगी ए प्रकार विधि निषेध को भल पाए नाही, किंबा से प्रकार खाद्य द्रव्य सेवन करिबा लालसा मध्य हराए नाही। ठीक सेहिपरि जेउ माने अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति जेउ मानंकर उन्नत ज्ञान बा बुद्धि ज्ञान से मानंक निमित्त अंगा अष्टांग योग साधना अर्थात जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि साहाज्यरे इंद्रिय निरोध करिबा प्रक्रिया अनुमोदन करा जाए। किंतु जेउं व्यक्ति कृष्ण चेतनारे अग्रगति करी परमेश्वर कृष्णंकर सौंदर्य एवं स्वादु चाखी सारी तार आउ एक मृत जड़ वस्तुर स्वादु ग्रहण करिबार स्पृहा न थाए, तेणु जीवन रे आध्यात्मिक मार्ग रे अग्रगति निमित्त अल्प बुद्धि संपन्न नवागत साधक ब्रह्मचारी मानंक पाई केतेक विधि निषेध अछि। सेगुड़िक पालन करी जदि व्यक्ति वास्तव रे कृष्ण चेतनार स्वादु लाभ करिपारिला ताहाले सेगुड़िक भल दिगरे व्यवहृत होइछन्ति बोली कुहाजिबो। जेतेबेले व्यक्ति वास्तव रे कृष्ण चेतनशील हो जाए सेतेबेले से स्वतः विषय भोग लालसा हराए। जय श्री राधे कृष्ण।